Hello, welcome to eNotion. We have done our first chapter, Nutrition in Plants, and second chapter, that is Nutrition in Animals, in which we have done our revision notes, question answer, as well as MCQs. Now we are going to do third chapter, Fiber to Fabric, in which we are going to study the production of wool, how it will be prepared in factories using the steps like shearing, scouring, sorting, removing of burrs, coloring of wool fibers, then rolling of wool. Then after, we will study about the production of silk, silk moth, what is it, and then the process of obtaining silk from the silicone. So let's start from the production of wool. So this is the revision notes on fiber to fabric, that is third chapter. After this video, we will do the question answer and MCQs on the basis of this chapter. So the production of wool. वूल की प्रोडक्शन का मेथड जानेंगे सबसे पहले तो द वूल इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप या गॉट दीज आर द एनिमल्स मेनली फ्रॉम व्हिच वी ऑब्टेन द वूल वूल इज एक्वायर्ड फ्रॉम द फ्लीज और हेयर ऑफ दीज एनिमल्स हेयर इज द चार्ट एज यू कैन सी दिस इज द चार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स वी गेट द वूल दिस इज द वूल एंड याक शीप Got. These are the mainly animals from which we get the wool. So the production of wool from sheep. अब हम बात करेंगे sheep से basically जो wool का production होता है वो किस प्रकार से होता है कैसे होता है. There are two types of fibers in sheep's hair. Sheep जो होते हैं उनके hairs में दो types के fiber होते हैं. The rough beard hair, okay, and another one is the soft hair which is present just near to the skin of the sheep. तो इसके अंदर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं फाइबर्स दैट इज रफ होता है एक तो और एक होता है सॉफ्ट जो कि क्या होता है स्किन के बिल्कुल नजदीक होता है. सो वूल इज मेड फ्रॉम द सॉफ्ट हेयर द शीप बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी. तो आपने देखा होगा कभी आपने स्वेटर पहना हो तो उसके जो वूल होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से लगते हैं आपको फील किया होगा कभी आपने. सो वाई इट इज soft because it is made by the soft hair present just near to the skin of the sheep. जो sheep होता है उसके skin के नजदीक जो होता है उसके द्वारा ही इसको prepare किया जाता है इसलिए वो क्या होते हैं बहुत ज्यादा soft होते हैं. Now selective breeding. Sometimes sheep are selected to gain a breed that has only fine soft hair. तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है ऐसे शीप्स प्रिपेयर किए जाते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के हेयर होते हैं एक ही प्रकार के फाइबर होते हैं दैट इज सॉफ्ट हेयर हेयर ऑन द स्किन एंड लेस और नो हार्ड हेयर और उनके स्किन पे बहुत कम हार्ड हेयर होते हैं या तो होते ही नहीं है. सो दीज टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ओके Now the sheep are generally fed with grass, common leaves called pulses, oil cakes and dry food. अब ये sheep खाते क्या है basically? So they eat basically grass, common leaves called pulses, oils, cake and dry fodder. Sheep are reared. Reared का मतलब होता है जो उसमें से breed and raised होता है उसको reared उसमें से उसको निकालना वूल को निकालना बेसिकली उसके हेयर को रियरिंग बोला जाता है उसके निकालने के मेथड को. ऑल ओवर इंडिया इन ऑर्डर टू एक्वायर वूल फ्रॉम देम सच इन जम्मू एंड कश्मीर राजस्थान अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात. सो दीज आर द स्टेट्स फ्रॉम वेयर वी गेट द वूल जम्मू एंड कश्मीर राजस्थान अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात. नाउ हेयर आर द सम नेम ऑफ ब्रीड वहां जो वो पाए जाते हैं सिप उसके ब्रीड का नाम है ये और उनकी क्वालिटी कैसी होती है वूल की और किस स्टेट में ये पाए जाते हैं. सो लोही लोही जो होता है वो गुड क्वालिटी वूल्स देते हैं और ये कहाँ कहाँ होता है राजस्थान में और पंजाब में. देन रामपुर बुशेर दिस इज द टाइप ऑफ ब्रीड. जैसे टाइप ऑफ ब्रीड का बेसिकली मतलब है जैसे एक बोलते हैं देसी विदेशी इस टाइप में होती है चीजें तो दैट इज द टाइप ऑफ ब्रीड. डॉग्स की ब्रीड आप जानते हैं जर्मन शेपर्ड ये सारी जो होती हैं डॉग्स की ब्रीड होती हैं उसी प्रकार से इन शीप्स की भी अलग अलग ब्रीड होती हैं. ओके
तो उसमें अब सेकंड ब्रीड जो है वो है रामपुर बुशे, ब्राउन फ्लीस क्वालिटी होती है उसकी वूल की, और ये कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नाउ दिस इज द नेली, नेली इज कार्पेट वूल, कार्पेट जो आप घरों में यूज करते हैं उसका जो वूल होता है थोड़ा हार्ड सा होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में। देन आता है बकरवाल, दिस इज द टाइप ऑफ ब्रीड फॉर वूलन सॉल्स, सॉल आपने यूज किया होगा, सॉल जो घरों में देखा होगा आप सभी ने, तो जम्मू कश्मीर का जो सॉल होता है दैट इज कम फ्रॉम बकरवाल ब्रीड। नाउ मरवारी ब्रीड दैट इज कोर्स वूल, कोर्स टाइप में थोड़ा सा खुरखुरा सा होता है, और ये कहाँ होता है, गुजरात में। फिर आता है पटनवाड़ी फॉर होजरी, होजरी टाइप का, होजरी के कपड़े सुना होगा आप सभी ने, तो वो जो होता है वो पटनवाड़ी जो होता है ब्रीड उससे निकाला जाता है, उससे रेयर किया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, गुजरात। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्रीड एंड क्वालिटी ऑफ वूल एंड स्टेट वेयर दीज टाइप्स ऑफ ब्रीड फाउंड। नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ फाइबर ऑफ द एनिमल्स, अब क्या क्या प्रोसेस होता है वूल प्राप्त करने का, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। फर्स्ट प्रोसेस इज सियरिंग, हाउ इट इज डन, सियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप, फ्लीस जो होता है बेसिकली उसके बॉडी पर जो वो होते हैं हेयर्स होते हैं उसको ही बोला जाता है फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ इट्स स्किन, तो इसके स्किन के साथ साथ वो फ्लीस को जब उतारा जाता है उसके स्किन से दैट इज कॉल्ड सियरिंग। सियरिंग इज कंडक्टेड जनरली इन हॉट वेदर सो दैट द शीप डू नॉट फील कोल्ड एंड कैन सर्वाइव इजली, और आप सभी एक बात जानते हैं ये जो सीप्स होते हैं ये सारे कोल्ड एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, तो इस चीज को जो सियरिंग किया जाता है उसको हॉट वेदर में किया जाता है सो दैट दे कैन नॉट फील कोल्ड एंड कैन सर्वाइव इजली, जिससे उनको ठंडक ठंडा ना लगे, सर्दी ना लगे, और वो क्या करें इजली सर्वाइव कर सके। और द सियरिंग प्रोसेस डज नॉट हर्ट द सीप बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द स्किन इज नॉर्मली डेड स्किन, तो जो सियरिंग होता है उससे सीप्स को कोई लॉस नहीं होता, कोई हार्म नहीं पहुंचता है, उनको हर्ट नहीं होता है, क्योंकि उनका जो अपर पार्ट ऑफ स्किन होता है उसको उतारा जाता है तो वो जो होता है डेड होता है, बेसिकली डेड स्किन होता है। तो आप सभी को कभी चोट लगती है, चोट लगने के बाद वहां एक ब्लैक ब्लैक सा बन जाता है, तो आप उसको उखाड़ते हो तो उसमें दर्द नहीं होता है, तो बेसिकली उसमें सियरिंग के टाइम में भी ऐसा ही होता है शीप के साथ, क्योंकि वो जो होता है वो डेड बॉडी होता है, डेड स्किन होता है, और उससे उसको दर्द हर्ट नहीं होता है, हार्म नहीं होता है। नाउ दिस इज द स्कोरिंग, स्कोरिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट। अब देखिए सियरिंग किया है तो उससे हेयर्स आए हैं विद द स्किन, तो वहां पर कुछ डर्ट होगा, गंदगी होगी, उसमें ग्रीस होगा एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर रिमूव फ्रॉम द सिप, अब उनको हटाने की जरूरत होगी। अब जिस मेथड से हटाया जाता है डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीन्स की हेल्प से हटाया जाता है, और उसी मेथड को क्या बोला जाता है, स्कोरिंग। ओके नाउ सॉर्टिंग, अनदर नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 3 इज सॉर्टिंग। नाउ इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ द सीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर्स, अब सॉर्टिंग टेक्सचर्स के उसके उनके हिसाब से, जैसे आप सभी वो करते हैं ना कुछ भी उसको कैसे समझा सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सो तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी है उसमें अलग अलग टाइप्स के, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा सा होगा, कोई किसकी किसी का साइज थोड़ा मोटा होगा और किसी का पतला सा होगा, तो उनको अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, उनको अलग अलग कर लेना है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। ओके दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिमूविंग ऑफ बर्स, इन दिस स्टेप द बर्स और स्मॉल फाइबर्स प्रेजेंट ऑन द हेयर आर पिक्ड आउट, अब देखिए उन पे कुछ छोटे छोटे से वो होंगे हेयर्स होंगे, और हमें तो चाहिए क्या, बड़े बड़े चाहिए, तो उनपे जो स्मॉल बर्स होंगे, बर्स उनको बोला जाता है, उसको पिक्ड आउट किया जाएगा, उससे निकाला जाएगा, देन द हेयर इज क्लीन एंड ड्राइड आउट, और उसके बाद उनको जो है उसको साफ किया जाता है और उसको सुखा लिया जाता है। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेंड इज द वूल दैट कैन नाउ बी कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स, अब इसमें से जो निकल के आएगा आपको क्लीन करने के बाद और उसको सुखाने के बाद दैट इज द
और उसको आपको क्या करना है, फाइबर में कन्वर्ट करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कलरिंग ऑफ वूल फाइबर्स. अब वूल फाइबर्स को कलर भी करना होता है. इन दिस स्टेप द फाइबर्स आर ड्राइड इन डिफरेंट कलर्स. डाई किया जाता है इनको. डाई सुना होगा आपने, अपने हेयर्स के भी डाई करते हैं लोग, ब्लैक हेयर बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के डाइज को यूज करके उनको डाई करते हैं. इसी प्रकार से जो वूल्स निकल के आता है दैट विल बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स. आपने देखा होगा जो भी हमारे ऊन होते हैं या फिर स्वेटर होता है डिफरेंट कलर्स का होता है बिकॉज ऑफ दे आर डाइड. ओके, नाउ रोलिंग ऑफ वूल. इन द लास्ट स्टेप द फाइबर्स फॉर वूल सो ऑफ्टन इज स्ट्रेंथेंड स्ट्रेटेंड आउट कॉम्ब्ड एंड देन रोल्ड इनटू यार्न. अब देखिए ये जो होगा ये टेढ़े मेढ़े से होंगे तो इनको क्या किया जाएगा, स्ट्रेटन किया जाएगा, स्ट्रेट किया जाएगा यूजिंग आउट कॉम्ब किया जाएगा, बेसिकली उनको स्ट्रेट किया जाएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस स्ट्रक्चर वाइज द शेप आर शियर. देखिए इस मेथड से इसको शियर किया जाता है, शियरिंग इज दिस मेथड. यहाँ से क्या हो जाता है, फ्लीस इज बेल्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द मिल. यहाँ से कहाँ ले जाया जाता है, मिल में ले जाया जाता है मिल में ले जाया जाता है और वहां पर क्या किया जाता है, डर्ट को साफ किया जाता है और उसको फिर ड्राई किया जाता है और देन उसको हम क्या करते हैं, रोल आउट करते हैं इसमें कॉम्ब्ड में और उसको स्ट्रेट कर लेते हैं. स्ट्रेट करने के बाद उसको एक सर्कुलर उसमें हमने बना लेते हैं और वहां से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू दिस यार्न. एक उसमें बना लिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, इसको बॉल्स ऑफ वूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, तो वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा. सो दिस इज द फाइनल स्टेप. नाउ ऑक्यूपेशनल हजार्ड. इन सम इंडस्ट्रीज द वर्कर्स हैव टू फेस रिस्क ऑफ गेटिंग डिसीज एंड समटाइम्स डेथ. अब देखिए यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, इसके कन्वर्ट करने के फैक्ट्रीज में, तो उनको क्या होगा, कभी कभी डिसीज भी लग जाते हैं और कई तो डेथ भी हो जाता है. दीज आर कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स. सॉर्टर डिसीज इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वूल. तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ वूल की फैक्ट्री में जो डिसीज लगता है दैट इज कॉल्ड सॉर्टर डिसीज. एस ओ आर टी ई आर एस डी आई एस ई ए एस ई डिसीज. द पीपल हु शॉर्ट द वूल कैन गेट इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स. जो वूल को क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं. शॉर्टिंग मैंने बताया था, अलग अलग टाइप्स के टेक्सचर को अलग अलग कर लिया जाता है, कोई बड़ा होगा कोई मोटा होगा वूल, तो उनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो शॉर्टिंग किया जाता है, तो वो जो जिनके वर्कर्स द्वारा किया जाता है, जिन लोगों द्वारा किया जाता है, वो किस बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आते हैं, एंथ्रेक्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं और इस बैक्टीरिया की वजह से वो क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनको क्या लग जाता है, सॉर्टर्स डिसीज. The bacterium infects the blood of the person. और ये कहाँ इफेक्ट करता है, वो ब्लड पे इफेक्ट करता है, which can lead to the fatal death, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है. So this was the occupational hazard. Now we are going to talk about the production of silk. Silk के production कैसे होता है. Silk is obtained from the silk worms. Silk basically कहाँ से पाया जाता है, silk worms में पाया जाता है. नाउ सेरिकल्चर. सेरिकल्चर जो है जैसे हॉर्टिकल्चर और इस प्रकार के और भी कल्चर हैं जहां पर क्या होता है, अलग अलग चीजों को रेडी किया जाता है. नाउ सेरिकल्चर इज द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. सेरिकल्चर में क्या जाता है, सिल्क वॉर्म्स को ब्रीड किया जाता है और उनको रेज किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम, और उनसे सिल्क प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है. Now here are the some common name, scientific name and their family, then main host. This is the silkworms category. Common name क्या है, मलबरी silkworm. वो उनका scientific नाम क्या है, Bombyx mori. और उनकी family कौन सी है, Bombycidae. और उसका main host जो है वो मलबेरी है. Now airy silkworm, इसी तरीके से इसका सारा आप इनको note कर लीजिएगा, ये diagram पूरा अच्छे से बना लीजिए और आपको इनको याद करना है. ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड देयर कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम एंड देयर फैमिली एंड देयर मेन होस्ट नेम. नाउ वी आर गोइंग टू सी
सिल्क मोथ. सिल्क मोथ क्या होता है? सो वी आर गोइंग टू सी हेयर द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. हेयर यू कैन सी द लार्वा. दिस इज द लार्वा ऑफ द सिल्क वर्म. फ्रॉम देयर इट इज रेड गो टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज कोकून. फ्रॉम दिस एडल्ट मोथ. फ्रॉम दिस हेयर इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम वेयर एग्स एंड फीमेल मोथ लेज मैनी टिनी एग्स. तो ये एग्स जो है दोनों कंबाइंड होते हैं. फ्रॉम देयर इट इज कन्वर्टेड टू द लार्वा एंड देन आफ्टर कोकून देन आफ्टर एडल्ट मोथ. फिर ये लाइफ साइकिल इस तरीके से चलता है. यहाँ से फिर ये कहाँ जाता है, ये एग्स ले करते हैं और दोनों कंबाइन होता है और वहां से फिर क्या बनता है, लार्वा बनता है. फिर उससे क्या बनता है, कोकून बनता है. फिर उससे एडल्ट. और कोकून जो है द कार्टिपिलर चेंजेस इनटू अ पूपा इनसाइड द कोकून. इसके अंदर जो है एक कार्टिपिलर होता है वो किसमें चेंजेस इनटू अ पूपा. और इसी के अंदर क्या होता है, पूपा में कन्वर्ट होता है इनसाइड द कोकून. ये देख सकते हैं आप, ये कोकून है, इसके अंदर ये रेडी होता है और यही कार्टिपिलर है और इसके अंदर ये रेडी होता है. सो इट वॉज द लाइफ साइकिल. कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स फ्रॉम अबाउट 3 to 4 weeks. ये 3 to 4 weeks के अंदर रेडी होता है. ईच ऑफ देम देन स्पिन्स अ कोकून अराउंड इटसेल्फ. अपने अराउंड क्या करता है, ये कोकून को स्पिन करता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन लाइफ साइकल्स ऑफ द सिल्क मॉथ. सो फर्स्ट इज द व्हेन द एग्स ऑफ द सिल्क मॉथ हैच लार्वा आर प्रोड्यूस कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म. एज यू कैन सी दिस इज द लार्वा एंड हेयर इज द कैटरपिलर और सिल्क वर्म. इसी को कहा जाता है सिल्क वर्म बेसिकली. द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कैटरपिलर्स लाइफ इज कॉल्ड द पूपा. तो यहां से क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, पूपा में कन्वर्ट होता है. To enter into this stage, the caterpillar weaves a net that can hold it. तो ये क्या करता है, एक नेट वीव्स करता है अपने चारों तरफ जो कि इसको उसको सेफ रखा जा सके. देख सकते हैं आप, दिस इज द नेट वेयर इट इज सेफ. बेसिकली नेट सेफ गार्ड्स द पूपा. ओके, नाउ caterpillar देन स्विंग्स इट इट्स हेड इन द शेप ऑफ एन एट. आप देख सकते हैं ये आपको आठ की तरह लगेगा, आठ की तरह इन द शेप ऑफ एट. ओके, एज इट स्विंग्स इट्स हेड फाइबर इज सिग्रेटेड. जैसे ही ये अपने हेड्स को स्विंग करता है, इट्स हेड फाइबर इज सिग्रेटेड. द फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड एज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर इट हार्डन्स एंड फॉर्म्स द सिल्क फाइबर. और जैसे ही ये फाइबर क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है और ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. द कैटरपिलर देन कवर इटसेल्फ इनटू द सिल्क एंड टर्न्स इनटू द पूपा. उसके बाद क्या करता है, कैटरपिलर सिल्क में कन्वर्ट होता है और इसको कवर्स करता है और पूपा में कन्वर्ट हो जाता है. द कन्वर्टिंग ऑफ द कैटरपिलर इज द कॉल्ड द कोकून. कैटरपिलर का कन्वर्जन को ही क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है. Then the caterpillar turns into a silk moth inside it this covering. तो आप देख सकते हैं इस कवरिंग के अंदर क्या है, ये जो कोकून है, ये पूरा कोकून है जिसमें caterpillar किसमें पूपा में चेंज होता है और इसी को मोथ, फिर ये मोथ में कन्वर्ट हो जाता है. Inside this covering, the silk thread on the silk yarn is obtained from the cocoon. जो सिल्क थ्रेड होगा वो सिल्क यार्न से कहां से मिलेगा हमें, कोकून से ही प्राप्त होता है. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ्स. अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स दिखाए थे, ये देख सकते हैं आप, इस अलग अलग टाइप्स के हैं. तो इसीलिए सिल्क जो होता है वो अलग अलग टाइप्स के हमें प्राप्त होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ्स की वजह से ही वो प्राप्त होते हैं. Now the mulberry silk moth is most common kind of the silk moth that produce soft, elastic and shining silk. So this is the important, that is mulberry silk moth. So mulberry silk moth is most important in this all types of silk moth. Now the process of obtaining silk from silk worms. अब देखिए process हम पढ़ते हैं क्या है. Leaf of mulberry tree है this.
दिस इज द मलबरी ट्री. नाउ फीमेल सिल्कवॉर्म विद मॉथ विद एग्स. अब इसके पत्तों पे क्या होगा? एग्स होगा. अब ये किस में कन्वर्ट होगा? लार्वा में कन्वर्ट होगा. कार्टिपिलर सिल्कवॉर्म फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स. अब इन पत्तों को क्या खाएंगे? ये खाएंगे. देन दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू द कोकून्स एज यू कैन सी हियर. अब इनको क्या किया जाता है? रियरिंग. द सिल्क वॉर्म फार्मर्स बाय द एग्स ऑफ द सिल्क मॉथ एंड रेज देम. सिल्क मॉथ्स के क्या करते हैं? वो परचेज करते हैं एग्स को और उनको रेज करते हैं. दीज एग्स आर जनरली लार्ज इन नंबर्स एज द सिंगल सिल्क मॉथ कैन बी अबाउट 100 एग्स एट द टाइम. तो जो सिंगल सिल्क मॉथ है वो क्या करता है? 100 एग्स देता है एक साथ. देख सकते हैं आप, ये 100 एग्स के आसपास आपको ये एक बार में देता है. So these eggs are stored in an environment having an appropriate temperature, humidity and hygienic condition. So in eggs को क्या किया जाता है? अच्छे से environment में, neat and clean environment में, और वहाँ के temperature एकदम उसके appropriate हो, humidity हो और hygienic condition हो, मतलब साफ सफाई अच्छी हो, वहाँ पर उनको रखा जाता है. In order to hatch the leaves out of the eggs are heated. They are then kept in the bamboo tray. उनको क्या किया जाता है? बैम्बू ट्रे होता है, बांस का ट्रे बनाया जाता है जिसमें उनको रखा जाता है. दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड जनरली व्हेन द फ्रेश लीव्स अपीयर ऑन द मलबरी ट्री सो दैट द कैटरपिलर कैन गेट इनफ फीड. तो ये जो देखिए, देख सकते हैं आप, इन ट्रीज पे क्या होता है? फ्रेश लीव्स जब आते हैं तब इस प्रोसेस को किया जाता है जिससे अच्छे से अच्छे उनको फीड, खाना मिल सके. द कार्टिपिलर फीड्स फॉर अराउंड 25 to 30 डेज. वो क्या करते हैं? 25 से 30 दिनों तक खाते हैं. देन मूव्स इनटू अ चैम्बर इन द ट्रे टू बिल्ड अ कोकून. वो क्या करते हैं? फिर ट्रे में चैम्बर बनाते हैं, उसके अंदर चैम्बर होता है, उसमें मूव करते हैं, वहां पर क्या बनाते हैं फिर ये कोकून. द कोकून व्हेन स्पन गेट्स अटैच्ड टू द रॉक्स प्रेजेंट इन द बैंगलोर ट्रे. So this is the last. Now processing of silk. Processing क्या किया जाता है? Silk processing. Firstly, as the cocoons are acquired, they are kept under the sun or boiled so that the silk fibers can separate out from them. तो इनको क्या किया जाता है? Cocoons को प्राप्त किया जाता है, उसके बाद sun के अंदर रख दिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है जिससे silk fiber क्या हो, उसमें से अलग हो जाए, निकल जाए, बाहर आ जाए. Then the reeling of the silk takes place. अब उसको क्या किया जाता है? रील किया जाता है, बेसिकली लपेटा जाता है. इट इज अ प्रोसेस इन विच कोकून्स थ्रेड्स आर प्रोसेस्ड टू बी यूज्ड एज सिल्क. उनको क्या किया जाता है? सिल्क की तरह यूज करने के लिए प्रोसेस किया जाता है. द सिल्क फाइबर दस ऑब्टेंड आर ड्रॉन एंड रोल्ड इनटू थ्रेड्स. फिर उनको धागे के रूप में रोल आउट कर लिया जाता है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर नाउ. एंड इन नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द MCQs and question answers of this chapter. So thank you so much. Thanks a lot for watching this video. And if you like this video, please like this and share also.